तो चलिए बच्चों, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन कौन सी होती है? इसका पूरा नाम होता है बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। आइएगा बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने किसको गिवन करा यहाँ पे? हमने बेंजीन को गिवन करा। ओके, यू नो ईच कॉर्नर प्रेजेंट वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन। रिएक्ट विद द एसिटिल क्लोराइड फॉर्मूला होता है बेटा CH3COCl होता है बेटा। CH3COCl क्या है हमारे पास? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इसका नाम क्या बेटा? यहाँ पे इसका नाम बेंजीन हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। पहले मैं आपको एक बार ये लिखवा देता हूँ सारे कैटलिस्ट किसका क्या काम होता है। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं इस रिएक्शन का, जस्ट बात करूँगा बेटा इसको मैं। एच यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? HCl रिमूव हो जाएगा। कौन रिमूव करेगा? एनहाइड्रस AlCl3। ओके, इसका यही काम होता है HCl को रिमूव करना। HCl रिमूव हो जाएगा तो इस बॉन्ड से क्या ऐड हो जाएगा? COCH3 आगे इस बॉन्ड से ऐड हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बच्चों सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इसका नाम होता है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब कैटलिस्ट का काम समझ लो किसका क्या क्या होता है बेटा। ओके, नोट पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ, सब बच्चे इनको नोट कर लेंगे, याद रख लेंगे बिल्कुल ध्यान से कैसे कैसे इनका कहाँ कहाँ यूज होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओनली यदि आपको HCl रिमूव करना है, ओनली HCl रिमूव करना है, उस कंडीशन में आप कैटलिस्ट यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। क्या यूज करेंगे बेटा? एनहाइड्रस AlCl3। नंबर सेकेंड कंडीशन में आते हैं, यदि आप Cl2 को ऐड करने के बाद HCl को रिमूव करते हैं तो वहां पे आप यूज करेंगे बेटा FeCl3। क्या यूज करेंगे बच्चों? FeCl3 यूज करेंगे। थर्ड हम बात करते हैं, यदि आप किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली Cl2 को ऐड ही करना चाहते हैं, कुछ रिमूव नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर यूज करेंगे बेटा सनलाइट। क्या यूज करेंगे बेटा? सनलाइट आप यूज करेंगे वहां पर। ओके, इसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास H2O ऐड करना है, सपोज दैट वाटर को ऐड करना है, तो वहाँ प्रेजेंस जो होती है बेटा वो होती है H पॉजिटिव की। किसकी प्रेजेंस होती है? H पॉजिटिव की। और फिफ्थ नंबर पे, किसी केमिकल रिएक्शन में यदि बाय द वे आप क्या करना चाहते हैं, H2O को रिमूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम होता है कंसेंट्रेटेड H2SO4। क्या होता है बेटा? कंसेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर है? अब उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट आता है, सपोज हमारे पास एक कैटलिस्ट आ गया है बेटा। अब कैटलिस्ट में क्या हुआ, हमें किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को H2 को या H को ऐड करना है। ओके, तो वहां पे जो कैटलिस्ट होगा वो निकिल होगा या प्लेटिनम होगा। इन कुछ पॉइंटों को याद रखेंगे, कैटलिस्ट बहुत हैं, जैसे आते रहेंगे वैसे मैं आपको लिखवाता रहूंगा। इन 6 पॉइंटों को तो आप याद जरूर कर लें बेटा।